हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ECS T10 इटली की जो सीरीज चल रही है इसके 19वें और आज के दिन के चौथे मैच के बारे में। ठीक है, यह मैच खेला जाएगा बेरगामो सीसी वर्सेस क्रिकेट स्टार्स के बीच मैच खेला जाएगा। मैच की टाइमिंग है 6:45, डेट है 2 मई 2024 आज की। वेदर की बात करें तो वेदर क्लियर है, बारिश के कोई भी चांस नहीं है। वेन्यू देखें तो AHD जिन्ना क्रिकेट क्लब ब्रेसिया में मैच खेले जा रहे हैं, तो आज का इसी वेन्यू पर है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक आर्टिफिशियल पिच है जिसके बिहेवियर में कुछ भी चेंज नहीं होता है, सेम रहती है बैटर और बॉलर के लिए। ठीक है, एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर 140 से लेकर 150 का बनता है। और वेन्यू रिकॉर्ड देखें तो इस सीजन में 17 मैच हो चुके हैं जिसमें से 7 मैच जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने और 10 मैच जीते हैं चेजिंग करने वाली टीम ने। ठीक है, और दोनों टीमों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करें ताकि आपको दोनों टीमों के बारे में सही से जानकारी हो जाए। ठीक है, पहली जो टीम है बेरगामो सीसी, इसका अभी जस्ट एक मैच खत्म हुआ है तो मात्र 2 रन से आ रही थी 160 रन का टारगेट चेस करते हुए। ठीक है, बहुत बढ़िया बैटिंग करी थी दोनों ही टीमों ने और यह टीम मात्र 2 रन से आ रही थी। और कौन कौन से प्लेयरों ने कैसी परफॉर्मेंस करी थी आपको डिटेल में बात करेंगे और क्या बैटिंग ऑर्डर आया था उसके हिसाब से हम आपको सभी चीज़ें बता देंगे। ठीक है, और साथ ही जो दूसरी टीम है उसका एक मैच अभी लाइव स्टार्ट हो गया है 4:45 पर और ये जो मैच का हम वीडियो बना रहे हैं 6:45 पर होगा। ठीक है, तो इसका एक मैच जैसे खत्म होएगा तो अपने को जो दो नए प्लेयर खेले हैं उनके बारे में डिटेल में जानकारी हो जाएगी कि वो कैसे प्लेयर है और कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है, बॉलिंग और बैटिंग करवा रहे हैं कि नहीं, वो सभी चीज़ों की जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। ठीक है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करें। पहले बात करते हैं अपन यहाँ से बेरगामो सीसी की, जिसने इस टूर्नामेंट में 4 मैच खेले हैं जिसमें से एक आज के दिन का मैच है। ठीक है, टोटल 4 मैच है जिन्होंने 2 जीते और 2 मैच इनकी टीम हारी है और जिसमें से भी एक अभी जस्ट हारी है मात्र 2 रन से, बहुत बड़ा टारगेट चेस करते हुए हारी है। जो लास्ट मैच खेला गया आज के दिन का उसके हिसाब से हमने प्लेयरों को सेट कर रखा है। तो पहला प्लेयर है धारा सिको, जो इस मैच में कैप्टन वाइस कैप्टनसी का डिफॉल्ट चॉइस है। क्यों? क्योंकि सामने जो टीम है वो थोड़ी वीक टीम है इस टीम के मुकाबले, तो कैप्टन वाइस कैप्टन अपने को इसी टीम का रखना है। जो इस टूर्नामेंट के 4 मैच खेला है 174 रन बनाए इसने 45 की एवरेज से, 8 ओवर की गेंदबाजी कराई है, 5 विकेट लिए, बॉलिंग और बैटिंग दोनों शानदार कर रहा है और इस मैच में कैप्टनसी का एकमात्र चॉइस यही है। ठीक है, इसके अलावा आपको इस मैच में कैप्टन दूसरा नहीं बनाना है। इसके बाद ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे तो 23 मैच में 398 रन, 19 की एवरेज से 45 ओवर की गेंदबाजी है, 36 विकेट लिए, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ओपनिंग कर रहा है, 2 ओवर की गेंदबाजी करवा रहा है। इसके बाद है संदीप गिल, 4 मैच में 67 रन बनाए 17 की एवरेज से, तो इसको चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो वरना रिमूव भी कर सकते हो, कंपलसरी प्लेयर नहीं है कि आपको सभी टीमों में इसको डालना पड़ेगा। इसके बाद है बलजीत सिंह, 4 मैच में 141 रन बनाए, 8 ओवर की गेंदबाजी करवाई, 3 विकेट लिए, यह भी एक वाइस कैप्टनसी का बहुत बढ़िया चॉइस है और सिलेक्शन भी देखें तो 95% है। इसका ओवरऑल रिकॉर्ड देखें 67 मैचों में 1138 रन बनाए 23 की एवरेज से, 88 ओवर की गेंदबाजी करी और 36 विकेट लिए, 2 ओवरों की गेंदबाजी करवा रहा है, साथ ही नंबर 3 पर आपको बल्लेबाजी करके दे रहा है और बढ़िया बल्लेबाजी। ठीक है, इसके बाद है मनदीप सिंह, जिसने 4 मैच में 132 रन बनाए, जो आज एक मैच हुआ था उसमें बहुत बेहतरीन अच्छी खासी से 60 रन के करीब की पारी खेली है और बिल्कुल अपनी टीम को जिताते हुए लेके ही पहुंच गया था, बस 2 रन से टीम हारी है। ठीक है, ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो 22 मैच में 15 की एवरेज से 131 रन बनाए, 22 ओवरों की गेंदबाजी करी, 18 विकेट लिए, इस टूर्नामेंट में बॉलिंग नहीं करवा रहा, बैटिंग पर बहुत बढ़िया कर रहा है और एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ठीक है, इसके बाद है सोनू लाल, जिसने इस टूर्नामेंट के 4 मैच खेला और मात्र 11 रन बनाया। इस टीम का जब पहला मैच हुआ था तो मैंने इसको बोल दिया था आपको नहीं लेना इस प्लेयर को, अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस भी करी नहीं है और पहले 2 मैचों में इसका सिलेक्शन रेट 90 के करीब था, 90% लोग इसको ट्राई कर रहे थे, लेकिन अपन ने एक भी मैच में इसको डाला नहीं और रिकॉर्ड आपके सामने है 4 मैच में मात्र 11 रन। ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे 20 मैच में मात्र 7 की एवरेज से 85 रन बनाए। इसके बाद है गुरविंदर सिंह, जिसने 4 मैच में 8 ओवर की गेंदबाजी करवाई, 6 विकेट लिए, कंपलसरी 2 ओवरों की गेंदबाजी करवा रहा है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, सिलेक्शन भी 92% है। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें 9 मैच में 7 ओवर की गेंदबाजी, 3 विकेट लिए। इसके बाद है राजपाल सिंह, 4 मैच में 11 रन बनाया, 3 ओवर की गेंदबाजी करी, 2 विकेट लिए, बॉलिंग थोड़ी कम करवा रहा है इसलिए अपन इसको ट्राई नहीं करेंगे और बैटिंग पोजीशन नीचे है। उसके बाद है दिलजीत सिंह, जिसने 4 मैच में 4 ओवर की गेंदबाजी करवाई, 2 विकेट लिए, बॉलिंग इसने भी कम करवाई है, इसको खाली ग्रैंड लीग में आप चाहो तो ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद है हरदीप सिंह, 4 मैच में 6 ओवर 4 विकेट, 4 मैच में 6 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 4 विकेट लिए है ना इसने, और इसको आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि बॉलिंग करवा रहा है, इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकता है। सिलेक्शन देखें हरदीप सिंह का तो सिलेक्शन देखने को मिलेगा 91%। इसके बाद है टीटन का करियर देखें, 10 मैच में 16 ओवर 6 विकेट है। ठीक है, इसके बाद है संतोष सिंह, जिसने 3 मैच में 0 रन बनाए ओवरऑल और इस टूर्नामेंट के 1 मैच में बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं करी। बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर लास्ट प्लेयर कासिम कुरेशी, जिसने 4 मैच में 3 ओवर की गेंदबाजी करी है, 1 विकेट लिया है, बॉलिंग कंफर्म नहीं करा रहा इसलिए अपन इसको भी ट्राई नहीं करेंगे। जो 5 प्लेयर है यह सभी बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है और सबके सबको अपने को ट्राई करना है।
एक प्लेयर जो बचता है वो दिलजीत सिंह में से ट्राई कर सकते हो या फिर क्यू कुरैशी में से, ठीक है। इसके अलावा जो नए प्लेयर खेले होंगे उसमें से कोई खेलेगा तो उसकी स्टैट्स हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। और एक संदीप गिल भी इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपन सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि सामने वीक टीम है तो इसकी परफॉर्मेंस करने की उम्मीद थोड़ी ज़्यादा है आज के मैच में। बेंच की बात करें, बेंच पर से जो भी प्लेयर खेलेगा तो उसके स्टैट्स हमने लिख रखे हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बात करते हैं दूसरी टीम क्रिकेट स्टार, जिसका यह दूसरा मैच होगा आज के दिन का और पहला मैच इनका चल रहा है अभी, ठीक है। तो बैटिंग ऑर्डर हमने सेट कर दिया, जो बैटिंग ऑर्डर आया है उसके हिसाब से हमने प्लेयरों को लिख दिया है। पहले बात करते हैं, इस टूर्नामेंट में 3 मैच हो चुके हैं जिसमें से 1 मैच जीती और 2 मैच इनकी टीम हारी है। जो लास्ट मैच खेला गया उसके हिसाब से हमने प्लेयरों को सेट कर रखा है। तो पहला प्लेयर है अतीकुर रहमान, जिसने 3 मैच में 64 रन बनाया, 3 ओवर की गेंदबाजी करी, 2 विकेट लिए, बॉलिंग भी करवा रहा, साथ ही बल्लेबाजी अच्छी कर रहा है, इसलिए इस टूर्नामेंट में कंपलसरी पिक है आपकी, सभी टीमों में होना चाहिए। सलेक्शन देगा अतीकुर रहमान का तो 89% इसका सलेक्शन है। इसके बाद है महमूद जावेद, 3 मैच में मात्र 19 रन बनाया, कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं करी। ओवरऑल रिकॉर्ड देखे इसका 35 मैच में 515 रन है, 20 की एवरेज से बनाए, ठीक है। तो इसको आपको चाहे तो ले सकते हो वरना रिमूव कर सकते हो। इसके बाद है नासिर रमजान, विकेट कीपिंग सेक्शन से एक अच्छा प्लेयर साबित हो सकता है, 3 मैच में 58 रन बनाया, साथ ही आपको विकेट कीपिंग के पॉइंट भी प्रोवाइड करवाएगा। ओवरऑल रिकॉर्ड 38 मैच में 546 रन है, 21 की एवरेज से एक अच्छा प्लेयर है, विकेट कीपिंग सेक्शन से आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो। इसके बाद है सुल्तान हुसैन, जिसने 3 मैच में मात्र 40 रन बनाए, अभी तक कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं करी है। ओवरऑल रिकॉर्ड 5 मैच में 37 की एवरेज से 148 रन बना रखे हैं इसने, तो ठीक ठाक प्लेयर है, इसको आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। सलेक्शन देखे सलेक्शन 83% है, लेकिन जो अभी लाइनअप आउट हुआ था उसमें यह प्लेयर प्लेइंग 11 में नहीं है, ठीक है। इसके बाद है सिराज अफजल, जिसने 3 मैच में 2 ओवरों की गेंदबाजी करवाई है। अभी गाड़ी में रहने दो चाबी। हाँ, सुल्तान हसन 3 मैच में 40 रन बनाए, इसने इस टूर्नामेंट में ओवरऑल रिकॉर्ड 5 मैच में 37 की एवरेज से 148 रन है। इसके बाद है सिराज अफजल, जिसने 3 मैच में 2 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 1 विकेट लिया है। ओवरऑल रिकॉर्ड देखे 17 मैच में 58 रन है, 4 ओवर की गेंदबाजी है, विकेट लेस गया है, बॉलिंग कम करवा रहा है, इसलिए आप इसको ट्राई मत करना। आप यहाँ से सुल्तान हसन और महमूद जावेद में से किसी एक प्लेयर को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर टीम की चेजिंग हो तो एम जावेद को लेना, और अगर बैटिंग हो पहले तो आप सुल्तान हसन को ट्राई करना, ठीक है। इसके बाद है शिशिर हुसैन, जिसने 3 मैच में 5 ओवर की गेंदबाजी करवाई, 3 विकेट लिए, कंपलसरी 2 ओवरों की गेंदबाजी करवा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सलेक्शन की बात करें 57% इसका सलेक्शन है। इसके बाद है प्रभदीप सिंह, जिसने 3 मैच में 2 रन बनाया, बैटिंग बहुत नीचे कर रहा है, कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं है, इसलिए इसको ट्राई नहीं करेंगे। इसके बाद है लवप्रीत सिंह, जिसने 3 मैच में 3 ओवर की गेंदबाजी करवाई है, 3 विकेट लिए, बॉलिंग थोड़ी कम करवा रहा है, विकेट मिल रहे हैं इसको, तो इसको आप ट्राई तो करना पड़ेगा। सलेक्शन हाई रहता है इसका, अभी फिलहाल कम है, लेकिन जैसे ही लाइनअप आउट होएगा तो इसका सलेक्शन हाई हो जाएगा। लेकिन पहले इस टीम का जब 1 मैच हो चुका होगा तो देखते हैं कितने ओवर की गेंदबाजी करवाता है, उसके बाद अपन इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सुकरात सिंह, जिसने 3 मैच में 5 ओवर की गेंदबाजी करवाई है, 2 विकेट लिए, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बॉलिंग कन्फर्म करा रहा है, इसलिए आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। सलेक्शन देखे तो सलेक्शन देखने को मिलेगा मात्र 25%। इसके बाद है नीलेन हैदर, 3 मैच में 4 ओवर 3 विकेट लिए, यानी बॉलिंग करवा रहा है और विकेट भी मिल रहे हैं, तो इसको भी अपन ट्राई करेंगे। ओवरऑल रिकॉर्ड 15 मैच में 20 ओवर 8 विकेट है, तो इसको सेलेक्ट करते हैं। सलेक्शन भी इसका 74% है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर थे अपन ने सभी को ट्राई कर लिया, ठीक है। इसके अलावा बेंच पर से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इसके स्टैट्स हमने लिख रखे हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। बात करते हैं टीम की, तो टीम कुछ इस प्रकार निकल के आ रही है। कैप्टनसी की बात करें तो कैप्टनसी का मैंने आपको वीडियो में साफ बोल दिया, धारा सिंह को इस मैच में कैप्टनसी का डिफॉल्ट चॉइस है। इसके अलावा बलजीत सिंह को एक बना सकते हो, एक अतीकुर रहमान, इन 3 प्लेयरों के अलावा आपको इस मैच में कैप्टनसी का रिस्क नहीं लेना है। हेड टू हेड मिनी ग्रैंड लीग में धारा सिंह को बनाना है, और ग्रैंड लीग की कुछ टीमों में आप बलजीत सिंह और अतीकुर रहमान को बना सकते हो। फिलहाल के लिए अपन धारा सिंह को कैप्टन बनाएंगे, और वाइस कैप्टन अपन बनाएंगे बलजीत सिंह को, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो अतीकुर रहमान को भी बना सकते हो। बलजीत सिंह एक अच्छा बैट्समैन है और अच्छी खासी बैटिंग कर रहा है इस टूर्नामेंट में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वैसे भी यह खाली डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको इस टूर्नामेंट से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जावे। धन्यवाद।